Assalamualaikum guys, it's me GM again, एक brand new video में सभी को welcome. तो भैया finally partner program V Badge Pakistan server के अंदर आ चुका है. Top 5 content creator को इस time profile के ऊपर V Badge आप लोगों ने देखा होगा कि उनको मिल चुका है. तो भाई इसके ऊपर वीडियो डिटेल में थोड़ने वाली है, तो एंड तक देखना है, मजा आने वाला है. बाकी गेम प्ले एंड लेवल गई है. नंबर वन और नंबर टू रंडा में, और उमर भाई तो अपने साथ तकरीबन 3 साल से खेल रहे हैं, तो बिल्कुल कोई भी पार्ट मिस नहीं करना. यहाँ पे लैंडिंग कराई थी, MP5 मिली थी. मुझे लग रहा था एक या दो बंदे जो है ना अपने साथ उतरे हैं. एक बंदा तो ये रहा, नेट नहीं शायद. नहीं, नेट है भाई. अच्छा एटीट्यूड लगा इसको. चलो अब गया भाई. और इसके साथ भाई हम लोगों ने यहाँ पे पहला किल डन कर लिया था. नंबर टू यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुके थे. इसके साथ उमर भाई भी यहाँ पे भाई नॉक एंड फिनिश हो जाते हैं. तो ये गेम पूरा डिपेंड कर रहा होता है हम लोगों के ऊपर, क्योंकि नंबर वन का नेम देख सकते हो आप लोग. ओहो यहाँ पे एक बंदा जिसको भाई डैमेज कराया, बट हल्का सा शॉट लगा था, सारा गोली रिकॉइल हो गया था. बंदा मस्ती कर रहा था, तो चेक करो इसको. दो बॉडी शॉट, ये ले भाई. ना 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 मुन्ना ना, ऐसे नहीं. डिमिट्री ठोकर लगा दिए भाई, कोई ना मरेगा. चलो इसके साथ भाई हम लोगों ने 2 किल यहाँ पे डन कर लिए, और अभी भी काफी ज्यादा बंदे अलाइव हैं. नंबर वन यहाँ पे जिंदा थे, बट यहाँ पे आप फिनिश हो चुके हैं. तो भाई एक ही ऑप्शन था, टोकन हमारे पास थे नहीं सोलो डेयर का. नंबर टू और नंबर वन बोल रहे थे भाई सोलो डेयर मत लेना, बाहर टोकन है उठा के रिवाइव करो. लेकिन नंबर फोर बोला है नहीं भाई, इसके बंदे का गेम देखो आज. मैंने तो कुछ नहीं बोला भाई, इन लोगों का रिएक्शन देखने वाला था. 2 किल यहाँ पे जरूर डन थे, सोलो डेयर ले लिया था. जब भी सोलो डेयर ले आया भाई 90% से अबव चांसेस होते हैं कंप्लीट करेंगे इस गेम में. चेक करो. ओके अच्छा छोड़ लगा इस बंदे को, और गया भाई. इसके साथ भाई हम लोगों ने 3रा किल भी डन कर लिया है. भाई कमेंट्री जो है ना रैंडमली कर रहते हैं, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी होती, तो काइंडली अगर कुछ लफ्ज ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इग्नोर कर दीजिएगा. बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, बिल नोटिफिकेशन भी ऑल पे कर लेना है, और टिकटॉक पे लाइक एंड रीपोस्ट कर देना है. अभी भी यहाँ पे 30 से ज़्यादा बंदे लाइव थे, ऑलमोस्ट 40+ कर लें. बाकी वी बैच की बात यह है कि गाइज जिनके व्यूज सबसे ज़्यादा होंगे उनको भाई मंथ के एंड के ऊपर या शुरू में वी बैच देखने को मिल जाएगा. 5 बंदों को वी बैच मिलेगा हर महीने, यानी इस महीने के जो टॉप कंटेंट क्रिएटर है ना पिछले मंथ के, तो उनको मिला है 5 को. अब इस महीने के जो 5 होंगे जिनके व्यूज सबसे ज़्यादा आएंगे उनको मिलेगा. तो ये हर महीने महीने भाई चेंज होता रहेगा, जो भी टॉप कंटेंट क्रिएटर होंगे उनको मिलेगा, यानी कि जिनके व्यूज़ काफ़ी अच्छे आएंगे. और कौन कौन से व्यूज़ और कहाँ कहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं ये भी डिपेंड करेगा, फॉलोअर्स कितने हैं, बहुत सारी चीज़ें भाई डिपेंड कर रही होंगी. तो बेनिफिट ज़रूर उन लोगों को मिलेंगे, बट वी बैच टॉप बंदों को ही मिलेगा, टॉप 5 को. तो भाई जिनके व्यूज़ ज़्यादा हैं वो बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हैं अगले मंथ, अगर इस मंथ नहीं मिला उनको, क्योंकि इस मंथ के जो टॉप 5 थे उनको मिल चुके हैं. उनकी प्रोफाइल पे जाके देख लो. 2 तो आई थिंक एक या 2 लड़कियां हैं, बाकी तो लड़के ही हैं. ओके गाइस सोलो डेयर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. 3 बंदे हमारे साथ रिवाइव होके उतरे थे, और ऊपर एक यहाँ पे बंदा था जिसको हम लोगों ने ग्रेनेड मार के नॉक करा था, और नंबर 2 ने जाके भाई इसको जो दूसरा टीम मेट था उसको भी नॉक कर दिया. तो यहाँ पर इन दोनों के किल हम लोगों को मिल गए थे, तो 4 किल वे ज़रूर डन हो चुके थे. अच्छा जी मॉस्टर की साइड पे एक और बंदा जो कि तंग कर रहा था, मॉस्टर तो फाड़ दिया था, और यहाँ पे अच्छा हेडशॉट शानी भाई को, तो इसका किल भी हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया था. 5 किल यहाँ पे डन हो चुके हैं. और टिकटॉक पे अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, टिकटॉक का आईडी नीचे मेंशन है, 1 मिलियन लाइक्स अपने होने वाले हैं. जिन्होंने नहीं करा जल्दी से कर दो भाई, 1 मिलियन बहुत जल्दी हो जाएंगे अपने, तकरीबन आज या कल तक हो जाएंगे. ओके यहाँ पे एक लड़की है, हो ब्लैक और नहीं माफिया नहीं मरियम है, ब्लैक माफिया तो कुछ और था, लेकिन अभी मरियम को यहाँ पे हम लोगों ने नॉक करा है. तो इसका किल भी हम लोगों ने यहाँ पे उठा लिया था. तो इसके साथ भाई तकरीबन अपने 6 किल्स हो चुके थे, और अभी भी 30+ लाइव थे. काफ़ी अच्छी लॉबी थी, ट्राई पूरा करा है कि भुइया करें, लेकिन एंड तक देखना है कि भुइया हुआ है कि नहीं. एक और बंदा जो कि नंबर 2 की साइड था, लेकिन नंबर 2 ने यहाँ पर नॉक एंड फिनिश दे दिया था उसको. अच्छा गैस वहाँ पे हम लोगों ने जितने भी बंदे मारने थे मार लिए थे, बाकी कोई मिल नहीं रहा था तो इस साइड पे आए थे. यहाँ पे उमर भाई को किसी ने मारा था, तो भाई उसका किल लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि कहीं मिल जाए. ओहो पीछे एक बंदा M10S के पास, बहुत गंदा डैमेज दिया भाई. चलो यहाँ पे मेडिकेट वगैरह जरूर मार लेंगे, नहीं रश करते हैं. चलो दी 2-3 हेडशॉट, और यहाँ पे नंबर 2 बार बार चिल्ला रहा था भाई. नाम तो लड़की का था, लेकिन यहाँ पे लड़का था इस आईडी के अंदर.
तो चिल्ला रहा था भाई तुमने मेरा किल चोरी करा है, बार बार यहाँ पे मुक्के मार रहा था। मुझे पहले से समझ नहीं है लेकिन बाद में समझ आई कि क्या कह रहा है। उसने माइक ऑन करके बोला कि तुम मेरा किल चोरी कर रहे थे यहाँ पे और किल चोरी करा है। मैंने कहा नहीं, रिप्ले में जाके रिगार्ड, वहाँ पे काफ़ी अच्छे एटीट्यूड लगे थे लेकिन यहाँ पे तो दो शो हुए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट चार एटीट्यूड लगे थे 40-40+ के। तो भैया अबे क्या ही बोले बंदे को। इसके बाद बंदा बोलता है तुम टिकटॉकर और टिकटॉक पे वीडियोज भी बनाते हो। तो मैंने कहा हाँ। अब इसका एंड जो रिएक्शन था वो बहुत मज़ेदार था, बंदा शॉक हो गया था मेरी गेम प्ले एंड पे देख के। तो आप लोगों ने भी देखना है कि एंड पे ऐसा क्या करा है भाई। बंदा वाकई कोमा में चला गया था, बोल रहा था एक गेम और मेरे साथ खेल लो, मेरी रिक्वेस्ट भी उठा लो। मैंने कहा ना मुन्ना ना, तूने पहले जो करा है वो ज्यादती है। बोलता है नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा किल चोरी नहीं करा, थोड़ा सा हो गया था लेकिन मुझे डर लग रहा है, अब ऐसा कुछ नहीं बोलो उल्टा सीधा। तो इसलिए भाई दूर रहते हैं, इग्नोर करते हैं चीज़ों को, बट कोई ना कोई चीज़ फिर भी माइंड में आ ही जाती है। तो यहाँ पे 7 किल जरूर डन थे और अभी भी 20+ अलाइव थे। बाकी किसी के साथ हेट वाला कोई सीन नहीं है, गेम सब भाइयों के लिए रिस्पेक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे पूरा स्क्वाड था और नंबर 2 मर के रिवाइव होके यहाँ पे आए थे। ओहो एक बंदे को अच्छा हेडशॉट, लेकिन यहाँ पे चेक करो अगेन नॉक हो चुके हैं नंबर 2। मुझे तो बोल रहा था खेल चोरी का, और खुद चेक कर लो अगेन मर गया है। तो यहाँ पे एक वाइट टी शर्ट थी जिसपे भाई रश करने ही मैंने ट्राई करी कि उसको मारें और इसको रिवाइव भी करा दें, बट जैसे ग्लूल डाली भाई वो बंदा मारने के लिए आ गया। वे बंदे की मूवमेंट है भाई इस बंदे की। अच्छा शॉट बट नहीं छोड़ने वाला, जीएम के आगे नहीं चलने वाली। गया, मैंने जैसे बोला था ना भाई ये लोग शॉक हो गए थे। इसके बाद जो गेम प्ले हम लोगों ने करी थी ना यहाँ पे, 9 किल यहाँ पे जरूर डन हो चुके हैं। छत के ऊपर भी बंदा है, एक बंदा सामने लैंड होके आया है, इसको पकड़ते हैं सबसे पहले। वे अच्छा शॉट, वे ये शॉट देखे भाई नंबर 2 कोमा में चला गया। भाई क्या खेलते हो आप यार, क्या खेलते हो, एक गेम और हमारे साथ हो जाए। मैंने कहा चलो एक गेम एंड हो जाए बाद में बताते हैं होनी चाहिए कि नहीं। मैंने कुछ भी नहीं बोला लिटरली, उस टाइम सिर्फ गेम पे फोकस था। ऊपर की साइड एक क्रिमिनल घूम रहा है जो बार बार ग्रेनेड फेंकी जा रहा है। नंबर 1 की HP चेक कर सकते हो, बहुत कम रह गई है। एक बंदा और आया लैंड होके, वे एम ही नहीं जा रहा था भाई उस पे। तो अकेले प्लेयर्स गाइस यहाँ पे हम लोग और बचे थे। पीछे की साइड बंदा डैमेज करा रहा है। एक मेडिकेट थी टोटल सुपर, तो रिपेयर किट मैंने लगा ली, HP वैसे फुल हो रही थी। ओके यहाँ पे एक बंदा जिसको काफी अच्छा हेडशॉट करा है, ऊपर की साइड और भी है जो कि मुझे डैमेज देने की ट्राई कर रहा था, तो यहाँ पे इसका भी किल ले लिया था। रिएक्शन बहुत ही एंड लेवल था, अगर उस टाइम के ऊपर रिकॉर्डर वगैरह ऑन होता लेकिन फिर गेम लैग करती, ये मसला होता है। बट कोई ना, यहाँ पे 11 किल डन है। अपनी कमेंट्री भाई सही है, अभी के लिए मस्त है, किसी की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती भाई। प्राइवेसी का इश्यू भी बाद में नहीं होता, क्योंकि इससे पहले मुझे 2 से 3 वीडियोस डिलीट करनी पड़ी हैं इस वजह से। ये लोग बोल रहे थे हमारी वॉइस ऐड क्यों की रही है। मैंने कहा चलो भाई अपने दम के ऊपर आएंगे, अपनी वॉइस से आएंगे तो इसलिए। बाकी फुल भाइयों के रिस्पेक्ट जो बंदे प्यार करते हैं मेरे को। ओहो यहाँ पे चेक कर रहे हो भाई क्या हेडशॉट लगे हैं। तो इसके साथ 12 किल डन हो चुके हैं। सब भाइयों का दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे पीछे बंदा ज़रूर आया था लेकिन हम लोगों ने लॉन्च पैड पकड़ा और सीधा जोन में आ गए। अब जोन यहाँ पे डैमेज करा रहा है तो सेफ जोन में आ गए। ओहो सामने वही बंदा जिसको 2-3 दफ़ा पहले भी हम लोगों ने मारा है। 3-4 ग्रेनेड थे तो भाई बिना हुक करे भी फेंक दिया हम लोगों ने, ताकि अगर किसी को लगे भी तो डैमेज आ जाए। एक बंदा, ये बंदा मरने का नाम नहीं ले रहा था, पता नहीं कितनी गोली खा गया। ये चेक करो यहाँ पे हल्का सा लैग हो रहा था, दूसरा बंदे को गोली नहीं लग रही थी। हल्का सा हेडशॉट लगा था 47, बट बंदे की HP समझ नहीं आई कितनी है। लो किसी और ने नॉक करा है, किल भी वही ले गया भाई। ग्लूवल थोड़ी सी ऊपर लगी हुई थी, तो इसके साथ भाई अभी वही 12 ही है, 6 बंदे अभी रह गए हैं। तो यहाँ पे ट्राई जरूर करी कि 1v3, 1v4 या 1v6 मार दें और भुजिया ले जाए, बट यहाँ पे पॉसिबल हुआ है कि नहीं वो आप लोग देख लो भाई। टोकन जरूर थे बट मशीन जो है ना जोन में थी, अगर जाते भी तो रास्ते में ही मर जाना था, पहुंचते भी नहीं मुश्किल से। अच्छे हेडशॉट स्कार के लगे हैं बट समझ नहीं है, स्कार बोल रहा है M4A1, स्कार होती तो मर जाना था क्योंकि स्कार का डैमेज इससे तो काफी अच्छा होता है M4A1 से। अच्छा डैमेज बट बच गया है। ओए पीछे की साइड भी बंदा है भाई, ये कहां से आ गया है। अच्छा यहाँ पे अगर एम चिपक जाता तो इसको सर पे हेड ही लगने थे, लेकिन इस ग्लूवल पे डैमेज गया था।
12 किल हैं भाई अपने पास। काफी अच्छा शॉट, ग्लूअल डालते डालते मर गए भाई, भुजिया कोई और ही ले गया क्योंकि ग्लूअल थी नहीं अपने पास, तो बार बार क्लिक कर रहे थे लेकिन ग्लूअल थी नहीं, मैंने देखा नहीं। तो ये गेम इधर ही एंड होती है, बाकी सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब पे और टिकटॉक पे, लाइक रिपोस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।